महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे को सीएम एकनाथ शिंदे से इस्तीफा मांगने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि जब बीजेपी के साथ सरकार बनानी थी उसे छोड़कर फिर एनसीपी और कांग्रेस के साथ गए और सरकार बना ली, अब ये नैतिकता किस डिब्बे में बंद की थी? आप नैतिकता की बात ना ही करें, एकनाथ शिंदे के इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फडणवीस ने कहा, फैसले से लोकतंत्र और जनता की जीत हुई, कोर्ट के फैसले से हम संतुष्ट हैं, स्पीकर के पास फैसला लेने का अधिकार है। फडणवीस ने कहा कि इस मामले ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के मसूबे पर पानी फेर गया, आज सवाल उठाने वालों को जवाब मिला है, महाराष्ट्र की सरकार संवैधानिक और कानूनी रूप से सही है। फडणवीस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया फैसला वापस नहीं हो सकता, उद्धव ठाकरे को दोबारा सीएम नहीं बनाया जा सकता, स्पीकर को यह अधिकार दिया गया है कि 10वीं अनुसूची को ध्यान में रखते हुए यह तय करेंगे कि राजनीतिक पार्टी कौन सी है और फिर सदस्यता निरस्त किए जाने पर फैसला होगा, स्पीकर के पास फैसला लेने का अधिकार है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।